तो इतने मेहनतों के बाद आखिर में हमारे पास सफलता आ चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं गुड न्यूज है कि बहुत सारे वीडो के मछलियों के अंडे से बच्चे आ चुके हैं। तो आप जैसे ये देख सकते हैं, इनको ना दोस्तों फोकस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरे कैमरे से ना ये इतने छोटे हैं, मतलब इतने छोटे हैं कि मेरा कैमरे से ये फोकस ही नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है। लेकिन हाँ, आपको ये बहुत ही अच्छा एक दृश्य दिखेगा, दो छोटे छोटे आंखें दिखेंगे और जो कलरेशन है आप देख सकते हैं, रेड एंड पिंकिश कलर का आपको ये दिखेगा। ऑब्वियसली ये रेड कलर के वीडियो के बच्चे हैं, और जो आपको व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, जो आप देख सकते हैं ये वाला, तो व्हाइट वाला क्या है ना, वो है लेमन वाला वीडियो के बच्चे, ठीक है, लेमन कलर का या ग्रीन कलर का जो वीडियोज है उनके बच्चे हैं। इनका कलरेशन थोड़ा सा बाद में होगा, मतलब मे भी ये थोड़ा सा मच्योर होंगे, बड़े होंगे तब होगा। तो जैसे आपको पता होगा, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को देखे होंगे तो उनमें जैसे मैंने आपको बताया था कि वीडो के मछलियों ने अंडे तो दिए हैं, लेकिन सब अंडे सड़ चुके थे, फंगस लग चुके थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि पता नहीं भगवान भरोसे हो गया या फिर क्या हुआ, लेकिन हमारे पास बच्चे तो आ चुके हैं, लेकिन उतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादातर अंडे फिर से सर चुके थे, लेकिन उसमें से भी कुछ कुछ बच्चे रिलीज हुए, आप देख सकते हैं जिंदा हैं, और मैं चाहूँगा कि ये जिंदा ही रहे जब तक बड़ा नहीं हो जाता है। और इस एक्वेरियम में मैंने उनको रखा है, वैसे दूसरे बकेट में ये था, ठीक है, उनमें से मैं धीरे धीरे करके एक एक करके ला ला के यहाँ पर रख दिया है, जिससे कि मुझे ये हमेशा मैं इनको देख सकूँ, इनका देखरेख में थोड़ा सा अच्छे से हो सके, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर रखा है। और अभी एक चीज का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो मछलियां हैं इतने छोटे हैं कि इनका खाना क्या होगा, ये मुझे थोड़ा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि ऑप्टिमम डस्ट या फिर वर्म्स को डस्ट करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये मछलियां खुद ही इतना छोटा है कि इनका मुंह कितना छोटा होगा, और मैं इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन जब मैंने और ध्यान से देखा कि मेरे एक्वेरियम में कुछ ऐसे प्राणी हैं, ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो लाइक मैं अभी यूट्यूब में सर्च ही कर रहा था कि ये लोग खाते क्या है, लेकिन मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरे एक्वेरियम में खुद ब खुद ये डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब इनमें मैंने मछलियाँ नहीं रखा था, तो उसके वजह से ऐसा हो सकता है कि वो खुद ब खुद ऐसे डेवलप होना स्टार्ट हो गए होंगे, जो इन मछलियों का खाना बन सकता है बड़े ही आराम से, क्योंकि ये उनसे भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैंने कोशिश ज़रूर किया है कि मैं कैसे इसको दिखाऊं, लेकिन ये इतने छोटे हैं कि ब्लर हो जाते हैं, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। और मेरे एक्वेरियम में मुझे ये बहुत सारे दिखे हैं, मतलब दिखना मुश्किल है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे हिलते हुए ये सब जीव देखने को मिल जाएंगे। तो ये बड़े ही आराम से इनका खाना बन सकता है, और अगर आपके एक्वेरियम में ये सब चीज़ें डेवलप नहीं होता है तो इसके लिए भी एक उपाय है। अगर आपके पास इतने छोटे मछलियाँ हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, अंडा उबालने के बाद जो एक योक होता है पीला हिस्सा, उसको तोड़ के पानी के साथ मिक्स करके बहुत ही अच्छे तरीके से, जो एक क्लाउडी टाइप का हो जाता है ना पानी, उसको थोड़ा सा एक बूंद दो बूंद करके एक्वेरियम में डाल दीजिएगा, जिससे पानी उतना ज़्यादा सड़ेगा नहीं और मछलियों का खाना भी वो बन सकता है। तो वो भी आप कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव उपाय ये भी है। तो जितना दिन ये डेवलप नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, आप उसी तरीके से इनको खाना खिला सकते हैं। और ये मछलियाँ अभी बहुत छोटे हैं, तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि डाफनिया वगैरह खिलाऊँ, क्योंकि हमारे पास उसका भी एक इंतज़ाम है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये पॉट जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने बहुत दिनों से पानी कलेक्ट करके रखा था, और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो घूम रहे हैं छोटे छोटे से, तो ये ही है डाफनिया, ठीक है। ऑटोमेटिक ये पैदा हो जाते हैं अगर आप बहुत दिनों से कोई पानी को ऐसे कलेक्ट करके रखेंगे, तो ये लोग ऐसे ही मतलब चालू कर देते हैं, अपने आप ही बहुत सारे हो जाएंगे। तो यही मछलियों के खाना बनेंगे कुछ दिनों के बाद, जब मेरे एक्वेरियम के मछलियाँ थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि ये अभी खुद ही इतना बड़ा है कि मछलियों के मुंह में आ नहीं पाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, उसके बाद यही उनका खाना बनेगा। तो अंडर वाटर प्लांट्स इसके अंदर डाला है, जिससे थोड़ा सा नेचुरल हो जाए, और डाफनिया जो है ये लोग खुद ब खुद अपने आप ही बढ़ने लगेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई इनके लिए खाना भी मैं नहीं देता हूँ, ये लोग खुद ही जी रहे हैं, पता नहीं किससे जी रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर एल्गी वगैरह हो जाता है, इसलिए हो सकता है एल्गी खाते हों, पता नहीं मुझे। तो ये पॉट है, तो आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, एक जगह
पानी कलेक्ट करके रख सकते हैं, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, अगर होता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन है आप ऑप्टिमम डस्ट कीजिए उस टाइम जब आपका मछली थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं जो एक योक है जैसे मैंने आपको बताया वो वाला प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते कितने छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं अंदर से, तो ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलिए, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन कुछ तो बच्चे आए, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोगों को मैं शो कर सकूं, दिखा सकूं कि कम से कम हमारे यहाँ पर कुछ वीडो के बच्चे तो ऐसे डेवलप हुए हैं, मतलब मैच्योर हुए हैं जो अंडे से निकल चुके हैं। सो अभी क्या है कि मेरे यहाँ पर लगभग कितने होंगे 10-12 बच्चे हैं इस टैंक के अंदर। सो बाकी जितने भी मछलियाँ हैं वो फंगस या अंडे सड़ जाने के वजह से मर चुके हैं। सो कुछ ही बच्चे बच पाए हैं और इनको मैं देखभाल ज़रूर करूँगा, देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में, जितने भी इनका प्रोसेस है लाइक छोटे से बड़े होने का वो सभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग लगता है और शायद आपको भी लगता होगा। ये सभी चीज़ें जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।